नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज और मैं आपके साथ अनिरुद्ध जहागीरदार। आज बात करते हैं सुर्खियों में छाई द केरला स्टोरी इस फिल्म के बारे में। द केरला स्टोरी ये फिल्म 5 मई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें केरला में चल रहे लड़कियों के धर्म परिवर्तन को लेकर दिखाया गया है, जो सीधे सीधे आतंकवाद से संबंधित होता है। आजकल किसी भी फिल्म को लेकर या उसमें दिखाई गई कहानी को लेकर उसका राजनीतिकीकरण करके उस पर टीका टिप्पणी उठना हमारे यहाँ काफी साधारण सी बात हो गई है। तो अब केरला स्टोरी वाले मुद्दे को लेकर भी देश भर की राजनीति में घमासान उठना शुरू हो चुका है। द केरला स्टोरी को केरला, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे देश के महत्वपूर्ण राज्यों में बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का कहना है कि यह फिल्म संघ की झूठ फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति केरल में फेल हो गई है, इसलिए इस तरह के फिल्मों का सहारा बीजेपी ले रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इस फिल्म से अशांति पैदा हो सकती है। तमिलनाडु में सरकार के फैसले से नहीं, बल्कि मल्टीप्लेक्स के मालिकों के फैसले से इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ये फिल्म बैन करने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर तंज कसे हैं और उनका जाहिर विरोध किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। वहीं महाराष्ट्र और आसाम में भी फिल्म टैक्स फ्री करने की मांग लगातार जारी है। हर जगह ये चर्चाएं तेज हो गई है कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदों के लिए ऐसी फिल्में बनवाती है। आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ द केरला स्टोरी ये फिल्म देखने जा रहे हैं और फिल्म के प्रति अपना पूरा पूरा समर्थन दिखा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस समेत कई पार्टियां इस फिल्म का विरोध भी उतनी ही ताकत लगाकर कर रही है। महाराष्ट्र एनसीपी के किसी नेता ने तो यह तक कह दिया कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर को यह फिल्म बनाने के लिए फांसी दे देनी चाहिए। इस बारे में गहमा गहमी का वातावरण देश में जारी है और अब देखने वाली बात यह है कि ये वातावरण देश में कब तक रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज़।